नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आपका स्वागत है इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ है मारुति सुजुकी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी अल्टो 800। जी हां, ये अल्टो 800 है और आपको अल्टो 800 और K10 एक नज़र में देखने में काफ़ी हद तक सेम लगेगी। जो इन गाड़ियों में मेन डिफरेंस है वो है इंजन का। इस गाड़ी में आपको 800 cc का इंजन देखने को मिल जाता है और अल्टो K10 में आपको 1000 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। सो कैसी है ये गाड़ी, क्या चलने में है, क्या इसके इंटीरियर, क्या एक्सटीरियर है, क्या इसकी प्राइस है, वो सारी चीज़ें हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो जो भी अल्टो के फ़ैन हैं वो वाली इस वीडियो को देख सकते हैं। ये आपको सामने की तरफ जो अल्टो दिख रही है ये है 2014 मॉडल और इसमें आपको उस समय क्या क्या देखने को मिल जाता था। BS3 होगी आई थिंक, BS3, और BS3 में भी भाई काफ़ी अच्छी लुक देखने को मिल जाती थी। कंपनी ने इसमें ज़्यादा बदलाव किए नहीं है। साइड से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की दिखती है। और फिलहाल जो अभी अल्टो 800 आ रही है उसका भी सेम वैसा का वैसा ही इसमें लुक है। टायर साइज़ की मैं आपको बता दूं तो इसमें आपको 12 इंची के कुछ इस तरीके के टायर देखने को मिल जाते हैं और आपको इसके सारे वेरिएंट्स में स्टील रिम ही देखने को मिलेंगे। कोई भी वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील देखने को नहीं मिलेगा। सामने की तरफ कोई फोग लैंप वगैरह लगाने का भी ऑप्शन नहीं है। इस तरीके की कुछ इसमें ग्रिल आती है और ये सामने की तरफ आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल इस गाड़ी में साइड में जो एक साइड का मिरर है वो गायब है। अब वो कहीं टूट गया हो क्योंकि काफ़ी पुरानी गाड़ी है, 2014 से 2021 आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी है। और ये चली कितनी है वो मैं आपको अगर दिखाऊं एक बार तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5741 किलोमीटर ये गाड़ी अभी तक चली हुई है। सो इसकी चाबी निकाल लेते हैं। इसमें एक दिक्कत है कि ये गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। बाकी इस तरफ से आपको कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलेगा और ये आप देख रहे हैं 800 की जो डूर प्रोटेक्टर्स हैं ये आफ्टर मार्केट लगवाए गए हैं। इस वाली गाड़ी में आपको आफ्टर मार्केट सेंट्रल लॉकिंग भी दी गई है जो कि लॉक और अनलॉक करने पे कर कुछ इस तरीके की आवाज़ करती है। देख सकते हैं आप, यहाँ से आप आवाज़ भी बंद या चालू कर सकते हैं। ये देखिए साइड में आपको यहाँ पर फेंडर्स पे इंडिकेटर दिए गए हैं और ये यहाँ पर इसका कुछ एंटीना है इस तरीके का, निकाल सकते हैं, बंद कर सकते हैं इसको। ये बंद कर दिया। तो ये है भाई गाड़ी की एक्सटीरियर लुक। पीछे की तरफ से आप देखेंगे यहाँ पर मारुति सुजुकी का लोगो और यहाँ पर अल्टो 800 की बेजिंग एलेक्साई वेरिएंट लिखा हुआ है। और ये गाड़ी CNG फिटेड है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं। और CNG फिट करने के बाद आप बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं कितना है इस गाड़ी में, तो ये देख सकते हैं बूट स्पेस तो इसमें कुछ भी नहीं बचा है CNG लगाने के बाद। लेकिन एवरेज है वो काफ़ी अच्छा दे देती है, मतलब कि मैक्सिमम एवरेज। मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ वैसे ही एवरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये गाड़ी 30+ का माइलेज आराम से देती है इस इंजन के साथ। और अभी मैंने चलाया भी था, ठीक ठाक लग रही थी, उतनी ज़्यादा तो नहीं। ये इसका पेट्रोल कैप है। अब मैंने आपको एक्सटीरियर लुक तो गाड़ी की दिखा दी, अब थोड़ा हम अंदर की तरफ चलते हैं और बैठते ही साथ जो मुझे फील आ रही है सबसे पहले वो ये है कि जो नॉर्मल आपको आजकल की हैचबैक्स में ऊंचा बैठने को मिलता है वो इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। कुछ इस तरीके की सीट्स हैं, खास ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी को अगर आपको लेना हो सेकंड हैंड, क्योंकि नई गाड़ी तो ये मिलना बंद हो चुकी है, लेकिन सेकंड हैंड अगर आप लेना चाहें तो इसकी क्या प्राइस है वो भैया से अभी पूछ के बताएंगे, उन्हीं की ये गाड़ी है। और ये इसका कुछ डैशबोर्ड है इस तरीके का, आपको इसमें स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, 3 स्पोक, बीच में हॉर्न्स, इस तरफ हेडलाइट्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं और इस तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। MID इसमें आपको 180 तक की मार्किंग्स दे रखी है और पता नहीं अब ये जाती कितनी होगी। बाकी आपको इंजन ई मोबिलाइज़र भी इसमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप ट्रिप सेट कर सकते हैं इन बटन से। बस वॉच, माइलेज वगैरह, ट्रिप टू एम्प्टी वगैरह कुछ भी ऑप्शन इस गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता था। इस तरफ आपको एक AC का ब्लोवर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये आफ्टर मार्केट CNG और पेट्रोल में जब गाड़ी शिफ्ट होती है उसका ये बटन दिया हुआ है। एक बात इसकी ये है कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे
तब ये पेट्रोल पर स्टार्ट होगी और स्टार्ट होने के बाद आप चलाने लगेंगे तो तब जाकर आप इसे गैस पर शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी ये इसका हेडलाइट लेवलर है और की तो मैंने आपको दिखाई दी कुछ इस तरीके की, इसमें सिंपल सी की आती है। बाकी बीच में आपको यहाँ पर एसी के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, ये है कुछ इस तरीके से, आप ORVMs को इस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये है इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स, काफ़ी छोटा सा है और ओवरऑल गाड़ी ही काफ़ी छोटी सी है। और यह है इस गाड़ी का गियर लीवर, कुछ इस तरीके का है पुराने डिज़ाइन का। और यहाँ पर आपको फ्रंट में पावर विंडोज़ भी देखने को मिल जाती है। बाकी ये बेस मॉडल से थोड़ा सा ऊपर वाला मॉडल है अल्टो का, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस वगैरह भी है। ये हैंड ब्रेक है गाड़ी का और सेफ्टी के नाम पर इसमें कोई एयरबैग नहीं है। अब तो गाड़ियों में दो एयरबैग वगैरह सब मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन उस समय इस गाड़ी में कुछ भी नहीं आता था केवल सीट बेल्ट के अलावा। बाकी ये हैं इसके सन डोर प्रोटेक्टर्स, आपको मैनुअल डे नाइट ORVM देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये कुछ लाइट हैं, यहाँ पर कोई कांच वगैरह नहीं है। ये ओवरऑल इसका इंटीरियर है और वैसे चलाने की आदत हो जाएगी थोड़े समय में अगर इसे कोई चलाना चाहे, लेकिन जो पोजीशन है बैठने की वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है मेरे हिसाब से। बाकी ये जो आप जो देख रहे हैं म्यूज़िक सिस्टम, ये आफ्टर मार्केट है, सो ये तो सब पर्सनल चॉइस वाली बात है। ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट सा मटेरियल देखने को मिल जाएगा, ये नीचे पूरा प्लास्टिक है, ऊपर की तरफ भी प्लास्टिक है। थोड़ा सा मैं पीछे चल के देखता हूँ पीछे कैसा कंफर्ट देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके की सीट्स हैं, छोटे छोटे से हेडरेस्ट भी है इसमें। और जब मैंने सीट अपने हिसाब से यहाँ पर प्लेस करी थी, तब भी आप देख सकते हैं जो पाँव हैं मेरे आगे वाली सीट से टच हो जाते हैं और कोई ख़ास ज़्यादा पीछे गैप नहीं है, लेकिन ठीक है जो भी है यही है भाई देख लो। और पीछे की तरफ छोटा सा ये ग्रैब हैंडल जो है वो देखने को मिल जाता है, कोई भी बोतल वगैरह रखने का स्पेस नहीं है यहाँ पर। सीट कवर भी आफ्टर मार्केट हैं, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो हेडरूम है इतना मिल रहा है एक मुट्ठी के बराबर, देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है। और मेरी हाइट जो है 5.5 फुट के आसपास है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का इंजन कैसा है दिखने में। तो यहाँ से आप इसे खोल सकते हैं और तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये है मारुति का 796cc का 3 सिलेंडर इंजन है और ये पेट्रोल और आपकी LPG गैस जो है दोनों पर चल सकता है। CNG कह लो बात तो एक ही है, गैस सिलेंडर से भी चल जाती है। सो भाई ये है इसका इंजन तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में। एक बार मैं आपको इंजन की आवाज़ भी सुना देता हूँ, इसको यार टेकना कैसे टिकेगा, आजकल की कार में क्या है क्लच दबा के स्टार्ट करना पड़ता है। और केबिन के अंदर बैठने के बाद तो इंजन की ज़्यादा नॉइज़ आती नहीं है, बाहर से भी थोड़ा साइलेंट ही है, ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह भी इस गाड़ी में नहीं है, काफ़ी अच्छा है। ये छोटू सा इसका फ्यूज़ बॉक्स है गाड़ी का, ये बैटरी है और यहाँ पर ABS वगैरह का मॉड्यूल आता है, वो भी इस गाड़ी में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसके ब्रेक ऑयल का यहाँ पर दिया गया है, ये पूरा रेडिएटर का, यहाँ पर आप कूलेंट वगैरह डाल सकते हैं। तो ये है इसकी आवाज़, एक बार भाई थोड़ा सा रेव करना, पीछे से इसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ और सुना देता हूँ CNG में है ये गाड़ी कैसी आवाज़ करती है। तो फिलहाल जो मैं स्मेल फील कर पा रहा हूँ वो आप नहीं कर पा रहे। अरे बस बस बस, ये क्या तेल सा निकल रहा है इसमें, तेल क्या नहीं है, रबड़ नहीं है, इसकी रबड़ नहीं है इसलिए आवाज़ कर रहा है। अरे ये तेल का आएगा निकल रहा है इसमें, तेल नहीं है ये पानी है। अच्छा होता है गाड़ी का निकलने में, अच्छा मतलब धोई होगी तो उसके अंदर चला गया। तो ये थी भाई इसकी आवाज़ और ये थी ओवरऑल अल्टो 800 2014 मॉडल, जो भी था यही था। इसकी प्राइस सेकंड हैंड में भाई एक बार बता दो भाई, इसकी प्राइस अपन तो 2,20,000 मांग रहे हैं, इसको फाइनल देना है 2,05,000 रुपये में। ठीक है, तो 2,00,000 के अराउंड इसकी प्राइस है। और जो गाड़ी है वो MP04 रजिस्टर्ड है भोपाल। अगर आप लेना चाहें या कुछ भी इंक्वायरी करना चाहें गाड़ियों से रिलेटेड, तो आपको नीचे नंबर शो हो रहा होगा, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी भाई इतना था वीडियो में,
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।